हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष गणित शिक्षण इकाई दो का आज हम प्रारंभ करेंगे। इकाई दो में गणित का पाठ्यक्रम, गणित के पाठ्यक्रम की आवश्यकता, विशेषता है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, ये पूरे इकाई दो में दे रखा है। तो आज हम गणित के पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। गणित शिक्षण प्रकरण है गणित का पाठ्यक्रम। गणित का पाठ्यक्रम यानी गणित का गणित शिक्षण कराने के लिए गणित का पाठ्यक्रम किस तरह का होना चाहिए। एक हर बच्चा, मतलब आपने देखा होगा कि जन्म लेने के बाद और मृत्यु तक उसकी अवस्था अलग अलग चलती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, फिर वो अंत में, यानी इन अवस्थाओं से वो गुजरता है। इन अवस्थाओं के गुजरने में भी उनकी जो मानसिक जो विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उन सभी को देखते हुए ही हम उन चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कितना और किस उम्र में सीख सकता है। उन सभी परिस्थितियों को देखकर एक पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। हम अगर शिक्षण प्रक्रिया में देखें तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया कौन कौन सी, अगर देखे तो शिक्षार्थी होना जरूरी है और शिक्षार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक होना जरूरी है और शिक्षक किस में से पढ़ाएगा उसके लिए पाठ्यक्रम होना जरूरी है या हम विषय वस्तु बोल सकते हैं। यानी ये ट्रायंगल, इन जिस सर्कल, ये त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इन तीनों से शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगर एक भी अंग नहीं हो तो उससे शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ाता है, शिक्षक शिक्षार्थी को पढ़ाएगा और इसको ये अध्ययन करवाएगा और शिक्षार्थी भी अध्ययन करता है किसको, शिक्षक से करता है। मतलब शिक्षक ज्ञान को हस्तांतरित करता है, ज्ञान को प्रेषित करता है शिक्षार्थियों को और शिक्षार्थी ज्ञान ग्रहण करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शिक्षक से। लेकिन इस बीच में जब शिक्षक ज्ञान दे रहा है तो किस में से दे रहा है, किस कौन से विषय वस्तु से दे रहा है, शिक्षार्थी अगर कौन से विषय वस्तु से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, यानी किस मैटर पर किस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त दिया जा रहा है, उसके लिए तीसरा आता है, यानी दोनों के बीच में आता है पाठ्यक्रम। इन दोनों के बीच में क्या आता है, पाठ्यक्रम, क्योंकि शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से ही ज्ञान देता है कि उस शिक्षार्थी को किस तरह का, यानी बालक को, शिक्षार्थी को कौन सा कैसा ज्ञान देना है, तो वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही ज्ञान देता है। इसी तरह से शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षक से क्या ज्ञान प्राप्त करता है, इसी तरह से ये सर्कल चलता है, इसी तरह से त्रिमुखी प्रक्रिया चलती है। अब इसका अर्थ क्या होता है वो बता देता हूं। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जिसमें पाठ्य विवरण तथा शाला के वातावरण के समस्त प्रभावी तत्वों को समावेश होता है। यानी पाठ्यक्रम एक मतलब बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। इसमें पाठ्यक्रम यानी पुस्तकों के से संबंधित ज्ञान तो देते हैं, उसके अलावा वातावरण संबंधी, विद्यालय संबंधी, समाज संबंधी, राष्ट्र संबंधी चीजों को भी शामिल किया जाता है। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए,
इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण आवश्यक है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? करिकुलम कहा जाता है। यानी पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करिकुलम। CURRI करिकुलम कहा जाता है। यानी पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? करिकुलम कहा जाता है। तो करिकुलम शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यानी करिकुलम का अर्थ क्या है? दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान जिसको प्राप्त कर शिक्षा में, इसका अर्थ छात्रों के उस मैदान से, यानी दौड़ का मैदान, जिसे करिकुलम का अर्थ क्या हुआ? दौड़ का मैदान। लेकिन शिक्षा में इसका अर्थ छात्रों के उस मैदान से है जिसको प्राप्त कर वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। यानी शिक्षा में अगर इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो जिसको प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, यानी इस पाठ्यक्रम के माध्यम से ही वो लक्ष्य की प्राप्ति करता है, लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त करता है। इसका मतलब यह है कि पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का सुनिश्चित रूप है, जिसकी परिभाषा ये है। अब देखो, बहुत से लोगों ने परिभाषा दी है मनोविज्ञान, जैसे कनिगम परिभाषा दी। सबसे पहले कनिगम इसने लिखा, पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथों में एक साधन है, जिससे वह अपने पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य यानी आदर्श के अनुसार अपने कलाग्रह यानी शिक्षालय में चित्रित कर सके। ये थी अपने कार्यक्रम की परिभाषा। यानी क्या बताया? पाठ्यक्रम कलाकार यानी कलाकार शिक्षक को बताया गया कि हाथों में एक साधन है। पाठ्यक्रम यानी एक कलाकार के हाथ में
चहकलाकर को मानो उसके हाथ में एक क्या है साधन है जिससे वह अपने पदार्थ यानी अपने पदार्थ को या अपने शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के लिए अपने उद्देश्य के अनुसार अपने उद्देश्य के अनुसार अपने कलाग्रह यानी शिक्षालय में चित्रित कर सके। तो ये थे अपने गणित के पाठ्यक्रम की परिभाषा। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।